हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सीबीएसई के आंसर की के बारे में। जी हाँ, आंसर की रिलीज्ड हो चुका है, तो दोबारा जो आंसर की आपकी आई है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, तो अब उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये हमारे एक स्टूडेंट ने जो अपना आईडी पासवर्ड सेंड किया था, तो उसका है, देख लीजिए यहाँ पर, जनरल में जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट द एग्ज़ाम। और ये आप देख सकते हैं, टेस्ट डेट था 29 जनवरी को था इनका, 8:30 से 11 के बीच में। जूनियर असिस्टेंट का सब्जेक्ट है इनका। क्वेश्चन है पहला, देखिए, महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे छिछला है। तो देखिए, क्वेश्चन आईडी है 7645884833। तो ये जो है आपका क्वेश्चन आईडी है और ये आंसर्ड है। तो स्टेटस में देखिए, यहाँ पर आंसर दिखाया है कि मैंने, आपने आंसर दिया है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन लेना हो जैसे इस क्वेश्चन पे, तो आप 7645884833 ये आपको डालना होगा ऑब्जेक्शन में। स्टेटस इसका मतलब होता है कि आपने इसको, मतलब ऑप्शन पे वहाँ पे आंसर दिया है या नहीं दिया है। तो देखिए, यहाँ पे आपने आंसर दिया है और चूज़ ऑप्शन आपने क्या किया है, 3, यानी कि आपने 3 नंबर पर जो है सेलेक्ट किया था। और यहाँ पर उत्तर देख लीजिए 1 है, तो इसका मतलब होता है ये क्वेश्चन इनका हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम खाली स्थान में बीज के प्याज शंकु होते हैं और उन्हें अनावृति बीज कहा जाता है। तो देखिए, सदाबहार वन, पर्याप्त होती, ये सारे 4 ऑप्शंस हैं। सेम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे चूज़ ऑप्शन 4 है और यहाँ पर भी आंसर में आपको 4 दिखाई देगा, तो ये होगा आपका करेक्ट। इस प्रकार आप जो है काउंट कर लीजिए अपना 1। देखिए, निगेटिव का मार्क कटने वाला है नहीं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपके जितने राइट होते हैं सिर्फ वो आपको काउंट करना है। नंबर 3 पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने तवा आंसर है राइट, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सेकंड चूज़ किया, ये हो गया इनका गलत। 4th में देखा, देवानंद प्रिय प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को लिखा है, तो यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया है अशोक मौर्य, तो यहाँ पे इनका जो है गलत हो गया स्टूडेंट का, क्योंकि आंसर अशोक मौर्य है और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य लिखा था। लोक नृत्य मरुनी के दौरान किया जाता है, मरुनी जो है शादियों में किया जाता है, और इन्होंने आंसर दिया है दशहरा में। 6 नंबर पर आ जाते हैं, 1885 में मुंबई के राष्ट्रीय कांग्रेस के बैठक की अध्यक्षता की थी किसने, व्योमेश चंद बनर्जी ने, सही है इनका। 7वां है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार दिसंबर 2018 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना था, तो इसका आंसर है $521.1 बिलियन, 521, इन्होंने आंसर लिखा था 121। 8 नंबर पे है, संशोधन ने भारत पाकिस्तान समझौते में प्रदान किए गए बेरुबरी संघ यानी पश्चिम बंगाल में स्थित के भारतीय क्षेत्र के कब्जे को रियायत दी, तो इनका आंसर है, इन्होंने 4th चूज़ किया है और यहाँ पे आंसर है 9वां। पवन बल मापने का यंत्र क्या है, पवन वेग मापी, ऑब्वियसली। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु के लेखक कौन थे, अरुंधति रॉय, इसका भी आंसर इनका सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है इन्होंने इसके हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में है लंदन में। उत्तरायण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, इनके हिसाब से, लेकिन आंसर है आपका जनवरी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, तो वो है श्रीकांत किदाम्बी। अनुच्छेद 23 से 24 से संबंधित है, शोषण के खिलाफ अधिकार से। निम्न में से किस के क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का दशक का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट किया कि सर मेरा राइट है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय जो टीम का दशक का जो सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया, ऑस्ट्रेलिया का लिखा था, तो ये MS धोनी को चुना गया था। 36वें संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया और अनुसूची को लोपित किया, 10वीं अनुसूची को। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में जीते गए स्वर्ण पदकों के आधार पर भारत की रैंक क्या थी, 3री रैंक थी। रागी का न्यूनतम मूल्य 2019-20 क्या है, 3150। ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ग्रेमी अवार्ड्स 2019 में निम्न से किसे बेस्ट कंट्री एल्बम पुरस्कार दिया गया, रूसी मैगडोनल को। विश्व में विजिटन लीडिंग क्रिकेटर का पहला भारतीय प्राप्तकर्ता था, वीरेंद्र सहवाग, यहाँ पर भी जो है काफ़ी बच्चों गलत हुआ। विजय घाट का स्मारक है लाल बहादुर शास्त्री का।
अंग्रेजी भाषा का जो है नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति रुडियार्ड किपलिंग। 24 देखिए, दिसंबर 2019 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के ऐसे कौन से राष्ट्रपति बन गए जिनके विरुद्ध महाभियोग लगे दूसरे। 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक। बीटन कप किससे जुड़ा है? बैडमिंटन से। लेकिन इनका था आंसर, लेकिन सही आंसर है आपका बीटन कप हॉकी से। 67वें संशोधन में पंजाब राष्ट्रपति शासन को कितने वर्षों तक बढ़ाने की सुविधा दी गई है? 3 वर्षों की अवधि तक इनके हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में है 4। थबाना नटलिनया का सर्वोच्च शिखर क्या है? उत्तरी अमेरिका इनके हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में है अफ्रीका। कण्व राजवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अपने अधिकतम शोषक गुणों के लिए आमतौर पर बच्चों के डायपर में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम पॉलीसिलिकेट। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का तो आपको जो है करना होगा। देखिए ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे। ए ने बी से कहा, आप मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे हैं। बी से इसे किससे संबंधित है? तो इसका आंसर देखिए एक है, यहाँ पे भी इनका राइट है, ये गलत है, यहाँ पे भी इनका राइट है, राइट है। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन तो आपके जो है रीजनिंग है, इसलिए मैं इसे नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इसमें आपको रीजनिंग को तो करना ही पड़ेगा, ये जीके नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये हिंदी शब्द है, हिंदी का, इसमें हिंदी भी आया था जूनियर असिस्टेंट में। तो दोस्तों यहाँ पे अब बस आपका पास कुछ बचा नहीं, सिर्फ लास्ट है आपका ये संगम के नोडल, जो आपका स्कूल एजुकेशन का था। 10 क्वेश्चन मैं वही पढ़ देता हूँ। संगम नोडल केल्स क्या है? यह एक ऐसा विद्यालय जो मूल्यांकन के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करता है और 10 विद्यालयों के समीप स्थित है। सही। CBSE बोर्ड परीक्षाओं में सह शिक्षकों में आकलन के लिए किस ग्रेडिंग स्कूल का उपयोग किया जाता है? 9 सूत्री, गलत, 5 सूत्री स्केल का। ABCDE, दिव्यांगजन अधिकार अनुसार दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए कितनी भाषा का अनिवार्य है? एक भाषा, जिसे ब्रेन लिपि कहते हैं। CBSE का विद्यालय द्वारा कितने आवधिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए? 3। वह रणनीति क्या कहलाती है जिसमें उचित सामाजिक धारणाओं और मिलती जुलती गतिविधियों को पाठ्यक्रम की मूल सामग्री में गुप्त अथवा मिश्रित रूप से निहित रखा जाता है? सम्मिश्रण। ग्रेड एक्स के लिए 9 सूत्री गण प्रणाली में द्वारा दिए गए ई निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। निम्नलिखित प्रक्रिया का अर्थ दर्शाने का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मानसिक रूप से, तो ये विवेचनात्मक होता है। शिक्षण का वह क्षेत्र जो अभिव्यक्ति और मूल्य संबंधित होता है क्या कहलाता है? भावात्मक क्षेत्र। शिक्षक द्वारा दी गई विवेचना जो विद्यार्थियों को अधिक सटीक और उच्च स्तर लगे पहुँचाना चाहते क्या कहलाती है? उपचार। तो दोस्तों ये रहा आपका जूनियर असिस्टेंट का, तो आप इसमें देख सकते हैं आपके क्या कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो क्या आपका जो पुराना पेपर था, जो यानी कि जो सुबह जो आपका जारी किया गया था, वो आंसर की और ये आंसर की में कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।